स्टूडेंट्स वेलकम टू यू एट रीजनिंग क्लासेस। हम लोग क्यूब एंड क्यूबॉइड चेक कर रहे थे, आज हम लोग कुछ प्रॉब्लम्स चेक करेंगे क्यूब एंड क्यूबॉइड पर। हमने एक प्रॉब्लम ले रखा है यहाँ पर, अ क्यूब ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर इज कलर्ड रेड विद अ 2 सेंटीमीटर वाइड ग्रीन स्ट्रिप अलोंग ऑल दी साइड्स ऑन ऑल दी फेसेस। द क्यूब इज कट इनटू 125 स्मॉलर क्यूब्स ऑफ इक्वल साइज। हमारे पास 10 सेंटीमीटर का एक बिगर क्यूब है, 10 सेंटीमीटर साइड का एक बिगर क्यूब है, उसे हमें छोटे छोटे क्यूब्स कट करने हैं और छोटे वाले क्यूब्स का जो साइड होना चाहिए वो 2 सेंटीमीटर होना चाहिए। इसके साथ साथ एक कंडीशन हमारे पास ये दिया गया है कि इस क्यूब का जो आउटर बाउंड्री है 2 सेंटीमीटर का आउटर बाउंड्री, उसको हमें ग्रीन कलर से पेंट करना है और क्यूब जो है वो रेड कलर से पेंट है। क्यूब तो रेड कलर से पेंट है और आउटर बाउंड्री को हमें किस कलर से पेंट करना है, ग्रीन से पेंट करना है, तो 2 सेंटीमीटर का आउटर बाउंड्री। तो 2 सेंटीमीटर का आउटर बाउंड्री पहले मार्क करते हैं कौन सा है। ये 2 सेंटीमीटर का आउटर बाउंड्री है, ये 2 सेंटीमीटर का आउटर बाउंड्री जो हमें ग्रीन कलर से पेंट करना है, ये हमने ले लिया। ये 2 सेंटीमीटर का आउटर बाउंड्री है, ये हर तरफ से हर फेस पर हमें ये 2 सेंटीमीटर का आउटर बाउंड्री जो है ये ग्रीन कलर से हमें पेंट कर देना है। ये आउटर बाउंड्री 2 सेंटीमीटर का हमें ये हर सरफेस पर क्या करना है, ये ग्रीन कलर से पेंट कर दें। अभी हमने वो सेल्स ले लिए जो विजिबल फेसेस थे उनको हमने पेंट कर लिया। इसी तरह से हर साइड में अपने पास कंडीशन है। अब हम लोग क्वेश्चन, हाउ मेनी क्यूब्स हैव 3 ग्रीन फेसेस ईच। ये सारे हमने जो मार्क कर रखा है ये ग्रीन है, तो 3 ग्रीन फेसेस वाले कितने क्यूब्स होंगे। तो ये सारे ग्रीन फेसेस वाले ही है, जितने भी कॉर्नर्स वाले ये सारे ग्रीन फेसेस वाले, तो 8 कॉर्नर है इसमें, तो 8 ही क्यूब होंगे। इसका आंसर अपने पास फर्स्ट पार्ट का क्या आएगा, 8 आएगा। यानी कॉर्नर्स पर जो है वो सारे क्या ग्रीन फेसेस हैं और वो सारे 3 साइडेड ग्रीन फेसेस वाले क्यूब है, तो आंसर अपने क्या जाएगा, 8 आ जाएगा। सेकेंड है अपने पास, हाउ मेनी क्यूब्स हैव 1 फेस इज रेड एंड एडजेसेंट फेस ग्रीन। एक तो रेड हो और एडजेसेंट ग्रीन हो, तो इसमें हमारे हिसाब से कोई नहीं है क्योंकि जो रेड फेस वाले अपने पास है ये सारे रेड फेस वाले हैं और रेड फेस वाले जितने भी क्यूब्स हैं वो सारे सिंगल फेसेस क्यूब है, यानी सिंगल कलर्ड क्यूब है। ये रेड फेसेस वाले सारे सिंगल कलर्ड क्यूब है और हमें तो ऐसा क्यूब बताना है जिसमें रेड भी हो और एडजेसेंट में ग्रीन भी हो। तो रेड और ग्रीन के कॉम्बिनेशन के साथ यहाँ पर कोई क्यूब अवेलेबल नहीं है, कोई भी स्मॉलर क्यूब अवेलेबल नहीं है रेड और ग्रीन के कॉम्बिनेशन के साथ। तो सेकंड पार्ट का अपना आंसर क्या होगा, 0 आएगा। सेकंड पार्ट का आंसर 0 होगा, फर्स्ट पार्ट का आंसर हमने 8 निकाला। थर्ड पार्ट, हाउ मेनी क्यूब्स हैव एटलीस्ट 1 फेस कलर। एटलीस्ट 1 फेस कलर यानी यहाँ पर टोटल कलर्ड फेसेस हमें फाइंड आउट करने हैं। एटलीस्ट 1 फेस कलर मीन्स 1 वाले भी, 2 वाले भी और 3 वाले भी हमें काउंट करने हैं। तो 1, 2, 3 वाले, तो टोटल यहाँ पर क्यूब कितने हैं, टोटल क्यूब अपने पास 125 है, जिसमें से अनपेंटेड क्यूब कितना होगा, 27 होगा। इनसाइड में लेंगे तो 98 आ जाएगा, तो 98 होगा इस पार्ट का आंसर अपना। हाउ मेनी क्यूब्स हैव एटलीस्ट 1 फेस कलर्ड, तो एटलीस्ट 1 फेस कलर्ड में 98, यानी टोटल नंबर ऑफ कलर्ड फेसेस की हम लोग बात कर रहे हैं तो 98। हाउ मेनी क्यूब्स हैव एटलीस्ट 2 ग्रीन फेसेस ईच। एटलीस्ट 2 ग्रीन फेसेस ईच यानी इसमें ग्रीन और 2 ग्रीन और 3 ग्रीन दोनों लेना है। एटलीस्ट 2 ग्रीन मीन्स 2 ग्रीन और 3 ग्रीन सारे आएंगे, तो ग्रीन वाले सारे ही आ जाएंगे इसमें। इसमें चेक करते हैं हम लोग, ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 तो इस पार्ट पर है। 12 उस साइड भी होगा, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 और 33 नीचे, टोटल 36 हो गए। यानी एटलीस्ट और 36 तो 2 फेसेस हो गए और 8 और है, तो 44 हो जाएगा इसका आंसर। 36 + 8 = 44 होगा, यानी हमें टोटल ग्रीन फेसेस काउंट कर लेने। टोटल ग्रीन फेसेस वाले अपने पास 2 फेसेस कलर्ड और 3 फेसेस कलर्ड वाले ही ग्रीन फेसेस क्यूब है, तो उसमें हमें क्या करना, सारे ग्रीन फेसेस ले लेना। दूसरे तरीके से भी हम लोग सॉल्व कर सकते थे कि 98 टोटल कलर्ड है जिसमें से अपने पास ये कितने हैं, 3, 3, 6 और 3, 9, तो 9, 9, 6 = 54 हो गया क्योंकि एक फेस पर 9 है, तो 6 फेस पर 54, तो इसमें से माइनस कर लेंगे तो ये 4 आ जाएगा और इधर से भी ये 4 आ जाएगा, तो ये ग्रीन वाला जो रिमेनिंग बच गया वो आंसर होगा। एटलीस्ट 2 ग्रीन फेसेस में अपने पास ये आंसर आ जाएगा। हाउ मेनी क्यूब्स आर विदाउट एनी कलर, ऐसे कितने क्यूब्स होंगे जिनका कोई भी फेस कलर नहीं है। तभी हमने फाइंड आउट किया था कि ऐसे क्यूब्स अपने पास 27 है, यानी इस सारे हम लोग क्या करें, पेंटेड क्यूब्स को यहाँ से हटा देंगे तो जो अनपेंटेड क्यूब्स अपने पास बच जाएंगे वो कितने, 20। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चेक करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास गिवन है।
A cube is cut into two equal parts along a plane parallel to one of its faces. One piece is then colored red on two larger faces and green on remaining. One piece is colored red on two larger faces and green on remaining. While the other is colored green on two smaller adjacent faces, green on two smaller adjacent faces and red on remaining. Which is then cut into 32 equal cubes and the total 64 cubes. Total 64 cubes है तो 4 into 4 into 4 का cube बनाते हैं हम लोग. पहले 4 into 4 into 4 का एक cube बनाएंगे, फिर उसको cut करते हैं. ये suppose कर लें कि 4 into 4 into 4 का cube है. ये हमने suppose कर लिया कि हमने 4 into 4 into 4 का cube बना लिया. अब हमें इसको क्या करना है, पैरेलल इसको दो पार्ट में कट करना है. पैरेलल हमें कट करना है दो पार्ट में, तो सपोज कर लेते इसको यहां से हम लोग दो पार्ट में कट कर लेते. एक तो यहां से इस तरह से, और इस तरह से हमने इसको दो पार्ट में कट कर दिया. अब इन दोनों पार्ट्स को हम लोग सेपरेट बनाते हैं. इन दोनों पार्ट्स को सेपरेट बना लेते हैं. यहां एक तो ये पार्ट आ जाएगा, एक हमने ये पार्ट बना लिया. इसी तरह से एक पार्ट हमें और बनाना है, इसका राइट हैंड साइड वाला पार्ट बनाते हैं. एक ये राइट हैंड साइड वाला पार्ट बना लेते हैं इसका. ये हमने इसका राइट हैंड साइड वाला पार्ट बना लिया. अब इसमें हमें दोनों में क्या करना है, 32 क्यूब्स बनाने हैं. तो पहले उसे हम लोग मार्क कर लेते हैं. 32 क्यूब्स बनाने हैं, तो इधर से चार बनेंगे इस तरह से. यानी 16 एक लेयर में हमें बनाना होगा और 16 दूसरे लेयर में, तो 32 कंप्लीट हो जाएंगे. इस तरह से हमें लेना है. हमने इसमें 32 क्यूब बना लिया. सेकंड वाले में इसी तरह से हम लोग क्या करेंगे, 32 क्यूब्स बनाएंगे. तो इसमें भी 32 क्यूब्स बना लेते हैं. इसमें भी 32 क्यूब्स बना लेते हैं. इसमें हमने 32 क्यूब्स बना लिया. अब कंडीशन चेक करते हैं हम लोग. कंडीशन क्या है, कंडीशन था अपने पास कि हमें क्या करना है, क्यूब इज कट इनटू टू इक्वल पार्ट्स अलोंग अ प्लेन पैरेलल टू वन ऑफ इट्स फेसेस. हम लोग ये काम कर चुके हैं. वन पीस इज देन कलर्ड रेड ऑन टू लार्जर फेसेस एंड ग्रीन ऑन रिमेनिंग. जैसे इसको फर्स्ट मान लेते हैं हम लोग, तो फर्स्ट वाले का लार्जर फेस अपने पास ये है और एक इसके अपोजिट में. तो लार्जर फेस वाले क्या करना है, वन पीस is colored red on two larger faces. Colored red on two larger faces. तो larger faces को red color से paint कर देना है. ये हमने red color से paint कर दिया larger को. यानी इसके opposite में भी red color है. ये तो अब red है ही. और इसके opposite में भी हमने क्या कर दिया, ये भी red color है. और green on remaining जो बच गया अपने पास, चार faces बच जाएंगे, front, top, बैक एंड बॉटम. इस बैक में भी क्या है, ग्रीन है, और बॉटम पर भी क्या है, ग्रीन है. तो ये तो फर्स्ट कंडीशन आ गया, फर्स्ट फिगर का ये कंडीशन है. अब सेकंड फिगर का कंडीशन हम लोग चेक करते हैं. सेकंड फिगर का जो कंडीशन है अपने पास वो गिवन है कि व्हाइल द अदर इज कलर्ड ग्रीन ऑन टू स्मॉलर एडजेसेंट फेसेस. टू स्मॉलर एडजेसेंट फेसेस पर हमें ग्रीन कलर का पेंट करना है. ये तो लार्जर फेसेस हो गया, तो टू स्मॉलर एडजेसेंट फेसेस पर ग्रीन कलर का पेंट कर देते हैं. ये ले लेते हैं, ये स्मॉल और एडजेसेंट लेना हमें, तो इस तरह से ग्रीन कलर ले लेंगे. तो टू स्मॉलर एडजेसेंट फेसेस को हमने ग्रीन ले लिया एंड रेड ऑन रिमेनिंग. बाकी जो बच गए, यानी बॉटम भी है, बॉटम अपना रेड कलर का है, ये तो रेड कलर है ही,
ये हमने क्या कर लिया, यहाँ पर अपने पास ये तो फ्रंट और टॉप जो है वो ग्रीन कलर है, बाकी जो रिमेनिंग अपने चार फेसेस बच गए वो सारे क्या है रेड कलर के। अब हमें इस पर बेस्ट क्या है प्रॉब्लम सॉल्व करना है, उनको मिक्स करके और हमें प्रॉब्लम सॉल्व करना है। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स का प्रॉब्लम यहाँ पर दिए जाएंगे, उन प्रॉब्लम्स को हम लोग क्या करेंगे सॉल्व करेंगे। हो सकता है कि टोटल नंबर ऑफ ग्रीन फेसेस कितने हो, टोटल नंबर ऑफ रेड फेसेस कितने हो, इस तरह के कंडीशन अपने पास दिए जाएंगे। तो हम लोग अब यहाँ से इस तरह के प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, इनको मिक्स करके हम लोग काउंट कर लेंगे और ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो हमें डायग्राम इस तरह से बनाना था, मेन प्रॉब्लम हमारा डायग्राम का था, तो डायग्राम हमने बना लिया।